हाय फैमिली, वेलकम बैक टू दीपक जायसवाल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी तक आपने देखा मैंने अमरनाथ का यात्रा किया और काफ़ी अच्छा यात्रा रहा और बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो चुका था सभी दोस्तों के साथ। यहाँ देखिए मयंक भाई, इनका नाम चंचल भी है, और शुभम भाई इधर अभी रेडी हो रहे हैं, नहा धो चुके हैं। तो गाइस, इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार, माता रानी वैष्णो जी। तो सबसे पहले सभी फैमिली को और हमारे सभी चाहने वालों को जय माता दी। और आज का ब्लॉग माता रानी के दरबार से शुरुआत हो रहा है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार और ढेर सारा इंजॉय लीजिएगा। और चढ़ाई गाइज हम करेंगे सुबह, क्योंकि अभी हम पहुँचे हैं आज 4 से 5 बजे के बीच में। तो पहले सबसे पहले मैं गया माता रानी का जो पर्ची होता है, यात्रा पर्ची मैंने वो अपने दोस्तों के साथ कटवाया, वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, लाइन भी लगे। तो अब हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, अब चलते हैं कुछ मार्केट में खाते पीते हैं कटरे में। तो देखते हैं हम लोग क्या खाते हैं। और शुभम भाई सोचते हैं कि हम भी आजकल कैमरे को फेस करें, अच्छा लगता है इनको, तो कोई बात नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी फैमिली, मेरे चाहने वालों, मेरे दिल के करीबी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना, और ब्लॉग के अंतर जुड़े रहना। अब ब्लॉग को गाइज बिना स्क्रिप्ट करके ही देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। तो ऐसे ही प्यार, ऐसा आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा, और माता रानी का आशीर्वाद सदैव सदैव आपके आपके परिवार पे बनी रहे। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे और आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे। तो आप कहते हो दीपक भैया बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो क्या करें यार, बोलने का मन करता है, आपके साथ जुड़ने का मन करता है। तो चलते पहले हम जम्मू में कटरे में कुछ खाते पीते हैं, तो वो चीज़ आपसे शेयर करेंगे और आपको दरबार दिखाएंगे नीचे से कि माता रानी का दरबार कैसा दिखता है नीचे से और ऊपर तक का। अच्छा, पास में ही भैया नया ओपनिंग हुआ है डोमिनोज का। हाँ, कटरे में नहीं, कटरे में पहले से था, पहले से था, आप लेट आए होगे, लेकिन गैस पहले से था डोमिनोज। तो चलते हैं डोमिनोज में, कुछ हम लोग देखते हैं क्या खाते हैं, तो चीज़ आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉक के अंत तक, मिलते हैं कुछ देर में। हम लोग ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं, ये है जम्मू मार्केट और यहाँ पे पूरा लेडीज़ का आइटम बिक रहा है, देख सकते हो आप, पूरा आइटम है चूड़ा से लेके हर चीज़ तक। लेकिन मुझे ये चीज़ ख़रीदना नहीं है, लड़कियों का आइटम, तो हम केवल देख रहे हैं अभी और घूम रहे हैं मार्केट में। लेना है चाचा जी को और इनको एक स्लीपर लेना है, क्योंकि स्लीपर नहीं है तो शूज़ पहनते पहनते थक गए हैं। और जम्मू मार्केट मतलब कटरा मार्केट, यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह, ये देखिए प्रसादियाँ वगैरह चढ़ती हैं और ड्राई फ्रूट हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ पर हैं ड्राई फ्रूट की, बादाम, अखरोट, जो भी चीज़ लेना होगा आप सबको मिल सकते हैं यहाँ पर। जुगल गिफ्ट सेंटर यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं, मतलब मार्केट में कितनी चहल पहल है और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है। और ये अभी बिल्डिंग तैयार हो रहा, पहले तो ये यहाँ पे कुछ अलग था, और यहाँ पे देखिए कुछ नई नई चीज़ें, बड़ा अच्छा मार्केट सजा हुआ है, साल वगैरह से लेके हर चीज़ मिल रहे हैं। तो गाइस यहाँ देखिए इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, छोटे बच्चे के खिलौने वगैरह हर चीज़ें, और लड़कियों का आइटम तो यहाँ बहुत ही है, फैंसी फैंसी चीज़ें, ईयर बैंड हैं, सोनाक्षी के लिए सोचते हैं लेने क्या कुछ, सोनाक्षी को अच्छा भी लगेगा, कुछ लेके चलते हैं क्योंकि दिल्ली जाना है, तो वो लोग के लेके चलते हैं, नहीं मजा आया। तो गाइज बने रहे ब्लॉग में, मिलते भी। तो गाइज कितनी चहल पहल है आप लोग देख सकते हो पूरे कटरे में, और हम लोग दर्शन कल चढ़ेंगे चढ़ाई के लिए। और हमारा लुक ये रहा आज का, ब्लैक पैंट और स्काई शर्ट में। और ड्राई फ्रूट की दुकानें तो यहाँ पे बहुत हैं, आप लोग सामने से भी देख सकते हो, सब कस्टमर को बुला भी रहे हैं कि चले आओ भैया, ले लो, ठीक है, हमको तो सुबह ही लेना है क्योंकि माता रानी के दरबार कर चढ़ाई करेंगे, फिर शाम तक लौटेंगे, फिर ख़रीदारी करेंगे इस मार्केट में। अभी हम टहल के देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ क्या मिल रही हैं। आया तो मैं 8 से 9 बार हूँ, ये 10वीं बार है माता रानी का दर्शन करते हुए। तो पहले स्लीपर खरीदवा देते हैं, फिर आप लोग से हम मिलते हैं कुछ देर में। बहुत से आइटम मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए इतने अच्छे अच्छे पर्स, ये हैं फैंसी फैंसी पर्स, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अखरोट बादाम ले लो भैया, अखरोट बादाम क्या क्या ले लें गाइस समझ में नहीं आ रहा है। तो गए इसी बीच हम लोग आ गए हैं, मैगी का ऑर्डर दिए हैं, मैगी खा रहे हैं, आप लोग को मैगी दिखाते हैं पहले कैसे बना हुआ है। ये देखिए मैगी है प्लेट में, और 2 प्लेट लिए हुए हैं, पहले हम लोग पहले खा लेते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं, उसके हम बाद बताते हैं आप लोगों को। भैया मगा, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अच्छा भी लग रहा है।
तो अभी ये फास्ट फूड खा रहे हैं, उसके बाद चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं। तो गाइस खाने का मन कर दिया है स्प्रिंग रोल, तो हम जा रहे हैं स्प्रिंग रोल खाने के लिए। और मोमोज भी है यहाँ पे, और ये आलू फिंगर चिप्स है, ये मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, चाउमीन है, लेकिन हमारा मन कर रहा है स्प्रिंग रोल खाने का, इसलिए स्प्रिंग रोल खाने जा रहा हूँ बनवा के। और इधर देखिए चाउमीन का प्लेट हो गया, मैगी का प्लेट खाली, हमको चाउमीन बोलने आ रहा था, चाउमीन मैगी एक ही तरह जैसा लगता है। तो इधर देखिए मैंग भाई खाते एकदम रेडी, और प्लेट हो गया चावल। तो गाइस ये हमारे स्प्रिंग रोल तैयार, और भैया बनाते हैं कैसे बनाते हैं तो आप लोग को हम शेयर करते हैं। तो इधर हमारे स्प्रिंग रोल हो गया तैयार और मेरे हाथों में आ गया है, तो चलते हैं, गिर गया मेरे हाथों पे, तो गाइस खा लेते पहले, देखते हैं कैसा बना हुआ है। गाइस यहाँ पे देखिए पान भी कितना अच्छा लग रहे हैं, और किस डिजाइन बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत पान लगाते हैं भैया ये जम्मू में। और ये देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और भैया ये पान कितने का है, कितने का है? 20 रुपये का है। तो पान तो खाते नहीं हम, तो देख लिया, आप लोग को दिखा दिए हैं। तो गाइस ये देखिए है मेन स्थान जहाँ पे बस वगैरह आती हैं, अंदर जाते हैं, पार्किंग लगती हैं, और माँ का दरबार ऊपर नज़र आ रहा है। रात का समय हो गया है, कुछ समय में नहीं आ रहा है। और हम लोग डोमिनोज खोज रहे हैं, यहाँ पे बहुत दूर निकल गए, लेकिन डोमिनोज अभी तक दिखा नहीं। और अगली बार आए थे तो यहाँ पे था, लेकिन इस बार दिख ही नहीं रहा है, कहीं लगता है भर गया होगा। तो हम लोग किसी अब होटल को खोज रहे हैं, कौन से होटल में चलें कि इसमें खाना अच्छा मिलेगा, तो वही हम लोग परेशान हो रहे हैं कहाँ खाएँ। ये व्यू ना मामा जी, ये माता रानी सुबह बढ़िया व्यू आएगा, क्योंकि रात का सीजन हो गया ना, समय हो गया तो समय नहीं आ रहा है। और सामने आपको हर चीज़ देखिए, ये बंद हो गया ना, यहाँ जो फुहारा निकलता है वो भी देखने को बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो किधर चलोगे खाने के लिए? जिधर आप गए हैं उधर चल देंगे हम। ये कृष्णा ढाबा चलें? रत्ना सागर अभी हम पढ़े हैं यार। कहाँ पढ़े हो रत्ना सागर? रत्ना सागर कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा हो, तो चलते गए उसी जगह पढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ लहसुन प्याज खाना भी नहीं है। हाँ तो गाय बिना लहसुन प्याज के खाना यहाँ मिलता है पूरे इस कटरे में। और माँ के दरबार हम लोग फाइनली आ ही गए हैं, और सुबह चढ़ाई करेंगे जिसमें मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब लोग बने रहेगा ब्लॉग में, चलते हैं रत्ना सागर में, देखते हैं क्या ऑर्डर देते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गई है। क्यों यार? वाकई में हाँ गाइस भूख बहुत तेज़ लग गई है। चलते पहले खाते हैं, थोड़ा सा पेट पूजा भी हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ का लंगर खाना खाते खाते ना थोड़ा सा क्या हुआ, तो वहाँ देसी घी का गाइस पूरा आइटम मिल रहा था तो उब गए थे। आइटम सब बढ़िया था, भंडारा बहुत अच्छा था, लेकिन टोटली देसी घी में। तो कुछ देसी घी से थोड़ा सा हम निकल के बाहर चलते हैं, कुछ सिंपल सा भोजन खाते हैं, तो बने रहेगा ब्लॉग के अंदर। तो गाइस हम लोग जो रेस्टोरेंट खोज रहे थे वो मिल गया है सामने, ये रहा सागर रत्ना, नॉन ऑनियन नो गार्लिक, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन चाइनीज वेज रेस्टोरेंट। चलते हैं इसके अंदर हम लोग और खाते पीते हैं। क्या बोले? 10 रखे आपने है ना? हाँ जी हाँ। कैसे मालूम आपको? मैंने देख लिया, 2 लाइट है इसकी यहाँ पे, एक यहाँ पे है ना। अच्छा हाँ जी हाँ जी। 6 कैमरे, 4 कैमरे, मैंने सोचा 6, 1, 2, 3 मैंने गिने ना, 6 थे तभी मुझे वन प्लस। ओके ओके चलो। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे बैठ चुके हैं सब लोग, और 2-3 लोग अभी नहा धो रहे थे तो वो लोग नहीं आ पाए हैं, तो लोग बाद में आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर चलते पर ऑर्डर देते हैं, देखते पहले क्या करते हैं, मेन्यू देख लेते हैं क्या क्या मेन्यू लेंगे। और जैसे मामा लोग क्या खाएं? मामा क्या खा लिया? माता रानी के दरबार भी पहली बार आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, माता चाहता भी पहली बार, और माता दरबार भी पहली बार। चलिए माता रानी आप स्टार्ट कर दीजिए भैया, थोड़ा ऐसे ही कर दीजिए। तो गाइस ये ब्लॉग में ऑर्डर जब देंगे और क्या आता है जम्मू में, हम लोग क्या खाते हैं पहली बार, दिखाते हम लोग। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे देखिए कढ़ाई पनीर और पनीर बटर मसाला के साथ पनीर लबाबदार का भी आर्डर हमने दे दिया था, और इधर सब लोग खाने पे तैयारी लग गए हैं। तो गाइस हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, और अच्छा लगा खा पी के, और अच्छा पनीर का सब्जी बनाया था। और इसी बीच हम लोग मार्केट में फिर आ गए हैं, और देख रहे हैं क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना है। आकाश भाई इधर चूड़ी खरीद रहे हैं, तो इधर आकाश भाई मम्मी के लिए चूड़ा खरीद रहे हैं। अच्छा जी हाँ जरूर करोचर कब है? और ये इधर लस्सी पी रहे हैं, लस्सी क्या है भाई? केसर दूध है। केसर दूध क्या बात है, बना रहे हैं। सही बात है, बनाना भी चाहिए सेहत। तो कुछ पसंद आया नहीं अभी? अभी नहीं, चलते हैं आगे देखते हैं, यहाँ नहीं पसंद आया। और इधर अच्छे अच्छे दुकान भी हैं,
आदमी के लिए और सुना परी के लिए जितने क्या ले पाते हैं क्या नहीं ले पाते हैं, पार्टी के लिए भी लेना है क्योंकि इतना दूर आया है तो कुछ ना कुछ तो बनता ही है। और पूनम जी चली गई मुंबई, अच्छा नहीं लगा। आज मैंने उनका ब्लॉग देखा है दो दिन बाद, क्योंकि यहाँ पे आया नेट अच्छे से चल रहा था तब जाके मैंने किसी का ब्लॉग देखा, तो मुझे पता चला दीदी चली गई और आर्यन भी चले गए। बड़ा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उन लोगों को, तो उन लोग भी होते शायद उन लोग के लिए मैं कुछ खरीदारी करके ले जा ले पाता तो अच्छा लगता। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ सुना पर भाभी के लिए देखते क्या क्या ले पाता हूँ। तो यहाँ पे मिलते हैं आप लोग से, अच्छे नए वीडियो साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, जय माता दी।